झांसी जिले के मऊरानीपुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम भकौरा व पचौरा से रात्रि के समय चलते हैं दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर, प्रशासन बैठा मौन। मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी घाटों पर रात्रि के समय में भाजपा नेता की शह पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा अवैध बालू खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा है। ग्राम भकौरा व पचौरा में रात्रि के समय एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टर चलते हैं, जो रात्रि के समय लगभग 9 बजे से सुबह 8 बजे तक अवैध तरीके से बालू उठाने का कार्य करते हैं, जिसे मौके पर हमारे बुंदेलखंड टुडे न्यूज़ के संवाददाता नेहा श्रीवास और उनके सहयोगी पुष्पेंद्र श्रीवास ने कैमरे में कैद कर लिया। बताया जाता है कि मऊरानीपुर के आसपास क्षेत्रों में अवैध तरीके से बालू फेंकवाने का कार्य जोरों पर चल रहा है। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि बालू माफिया के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर आवाज़ उठाता है तो उसे धमका कर या डरा कर शांत करा दिया जाता है। योगी राज में सख्त कानून लागू होने के बाद भी बालू माफिया बेखौफ होकर अपना अवैध कारोबार कर रहे हैं। उनकी लोकेशन पर जगह जगह 2-व्हीलर और 4-व्हीलर से रात भर लोग घूमते रहते हैं। एक तरफ योगी सरकार कहती है अवैध तरीके से खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी, लेकिन खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते सरकार को लाखों रुपए की राजस्व की हानि हो रही है। खुद भाजपा नेताओं द्वारा नदियों से रात्रि के समय बिना किसी रोक टोक के खनन किया जा रहा है। देखना यह है कि उप जिलाधिकारी व क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी क्या खनन माफियाओं को खनन करने से रोक पाते हैं या नहीं। मऊरानीपुर से पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।